हमने पहले ही मांग की है कि कम से कम 500 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए, और जो जिस तरह से खरीद हो रही है जी। उसमें भी किसान को और आढ़तियों को बड़ी भारी समस्या हो रही है। मंडी में जो खरीदते हैं और उसकी लिफ्टिंग नहीं हो रही, जी और FCI तक ना पहुंचे, गोडाउन तक नहीं पहुंचता, क्योंकि उसके पहले पेमेंट नहीं होती। जी और जब वहाँ देखते हैं तो क्योंकि मौसम ख़राब था, दाना कुछ पिचक गया तो वो वापस कर देते हैं। तो इस वास्ते किसान बड़ी दिक्कत में है, और सब क्योंकि जब सरकार को चाहिए एक एक दाना खरीदे, कोई किसान का कसूर नहीं है अगर दाना पिचक गया तो। कल एक मंडी से खबर आई थी कि वहां पर आढ़तियों ने आरोप लगाया कि अधिकारी पर बैग 2 या 3 रुपए ले रहे हैं, इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर हरियाणा में, ये तो हर हर जो उसमें देखे हैं, भ्रष्टाचार की तो सारे ही सीमाएं लान चुके हैं। और जिस तरीके से बिजली की किल्लत प्रदेश में है और अन्य प्रदेशों में भी हो रही है। बिजली की तो किल्लत है हरियाणा में, तो होने का सवाल ही पैदा नहीं था। लेकिन जो अपने ही इनकी थर्मल प्लांट हैं, चाहे खेदर का है चाहे कोई है, वो 14 14 महीने से चला ही नहीं इन्होंने। लेकिन सरकार कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कट कहीं नहीं लग रहा है। कट लग रहा है, जहां भी जाओ वहीं कट लगता है, कई कई घंटे का अखबारों में पढ़ो, सारे अखबारों में। अच्छा सर, सरकार कह रही है कि मंडियों में जितना गेहूं आ रहा है उठान भी उतना हो रहा है, 63% के आसपास उठान अब तक हो चुका है। वही तो मैं कह रहा हूँ, खरीदता है आढ़ती द्वारा खरीदते हैं, लेकिन किसान को पेमेंट मिलती है जब FCI गोडाउन में पहुंच जाए। लिफ्टिंग नहीं हो रही, लिफ्टिंग नहीं हो रही। हालांकि आपके 5 क्विंटल एवरेज बता रहा हूँ, किसान का गेहूँ कम हुआ है, इसी वास्ते उसको बोनस दे। मंडियों के बजाय साइलों में भी ज्यादा गेहूँ ले जाया जा रहा है। नहीं, साइलों में जाए कहीं जाए, भाव में किसान को अच्छा मिले, लेकिन जब तक साइलों में जाए या FCI में जाए, जब तक वहां नहीं जाता पेमेंट नहीं मिलती किसान को। अच्छा सर, SOL पे आप बात कर लेते हैं, जो हरपाल चीमा है पंजाब के वित्त मंत्री है, उनका ये कहना है कि हम एक 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 बूंद भी हरियाणा को पानी देंगे सारा पानी पंजाब में रहेगा। दूसरा सुशील गुप्ता आम आदमी पार्टी के ही राज्यसभा सांसद है, वो ये कह रहे हैं कि हम हरियाणा का पानी प्रदेश के अंदर लेकर आएंगे। 2 स्टैंडर्ड है आम आदमी पार्टी के। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनकी बात छोड़ो, लेकिन ये जहाँ तक हरियाणा का पानी का सवाल है, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच और सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर रखा है, उससे बड़ी कोई जुडिशियल वो नहीं है। जो जो प्रेजिडेंट रेफरेंस हुआ था, मैं सांसद था उस समय, प्रेजिडेंट रेफरेंस कराया था, अब 2016 में फैसला हुआ, उसको अनिवार्य है। बल्कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो है कमी है, कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट में जाना चाहिए अब तक इनको। हरियाणा सरकार, मैं तो उसी टाइम कहा था जब पहली मीटिंग हुई थी, भाई उन जब वहाँ के जो वकील थे उनसे हमारी मीटिंग, जो होम मिनिस्टर थे उनके यहाँ, तो उन्होंने भी दी थी ये ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर चुका है, इसमें कोई उसकी जरूरत नहीं है। सरकार सर कंटेंट ऑफ कोर्ट के लिए जा रही है SOL को लेकर, अब तक जाना चाहिए था। अब तक चार साल तक क्या कर रहे थे। एक सर, पिछले दिनों आपका ही बयान आया था कि संगठन नहीं है, इसकी वजह से कांग्रेस को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, अब किस तरीके से आप देखते हैं। कोई भी संगठन हो, उसमें अगर नीचे संगठन नहीं है तो फर्क तो पड़ता ही है। वजह क्या कांग्रेस, बहुत वजह होती है, लेकिन अब संगठन हो रहा है, संगठन और हाँ जो अभी तो भर्ती चल रही है, मजबूत संगठन बनेगा कांग्रेस। और पिछले दिनों ये कुमारी सैलजा प्रदेश अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे की पेशकश की थी, ये कहकर कि काम नहीं ढंग से करने दिया जा रहा है, आप कैसे देखते हैं सर। ये मेरे को पता नहीं, आपकी खबर होगी, मेरे पास खबर नहीं। सर आज अम्बाला में बुलडोजर चलाया है, एक पार्षद है, पूर्व पार्षद, उनके मकान पे, कहते हैं नशा तस्करी से जुड़े हुए केस पर। एक नशा तस्करी से जुड़े हुए पार्षद थे अम्बाला में, आज उनके मकान के ऊपर बुलडोजर चलाया गया, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं, क्या ऐसे लोगों के खिलाफ और ऐसी सख्त कार्रवाई रहनी चाहिए। देखिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इलीगल कोई भी नहीं होनी चाहिए। मेरे को पता नहीं क्यों क्या है, अगर उसका बुलडोजर चलाया है, कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो वो तो ठीक है, और वो इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है तो बुलडोजर चलाने का बगैर कोर्ट के ऑर्डर को मतलब ही नहीं। खैर, मेरे को इस केस की जानकारी नहीं है, जो भी काम हो वो कानून के दायरे में होना चाहिए। सर करनाल की तरह कुरुक्षेत्र में भी बिना CLU के बहुत सारे जो गोडाउन थे उनके अंदर अब कॉलोनियां काटी जा रही हैं, आप क्या सोचते हैं कि पूरे हरियाणा में अनऑथराइज कॉलोनी एक धंधा बन गया है, और ये संरक्षण में कट रही हैं,
एवरेज एक कॉलोनी रोज कट रही है। बीते दिन अलका लांबा और कुमार विश्वास पे आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस जो है चस्पा करके जाती है एक नोटिस, कैसे देखते हैं, कहीं राजनीतिक तो नहीं है ये? मेरे को जानकारी नहीं है भाई क्या कारण है क्या नहीं है, लेकिन अगर राजनीतिक है तो होना चाहिए, राजनीतिक देश से कोई काम नहीं होना चाहिए। सब आम आदमी पार्टी बार बार स्कूलों के मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि हरियाणा के अब स्कूलों की वास्तव में स्थिति है कि टीचरों की बहुत कमी है, इसको आप कैसे देखते हैं? टीचर है 63 स्कूल तो ऐसे हैं जहाँ एक भी टीचर नहीं है, हरियाणा में 40 ऐसे हैं जहाँ एक ही टीचर है, तो कोई भर्ती नहीं करी जेबीटी की अब तक इन्होंने।